सो आज की जो हमारी रेसिपी है ये है ढाबा स्टाइल मटर पनीर। सो ये है ढाबा स्टाइल। आपको इस पे जो टेक्सचर दिख रहा होगा आप घर में बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप ढाबा जैसे ग्रेवी घर पे बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमसाई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारी पटेल फ्रॉम नासिक। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ ये है मटर पनीर, क्योंकि अभी सीजन मटर का है, फ्रेश एकदम मटर मिल रहे हैं मार्केट में। सो आप बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से अगेन बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल मटर पनीर घर में बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लगने वाला है। ये हम लोगों ने लिया है 1.5 TBSP गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अभी मैं यहाँ कलर वाली मिर्ची यूज़ कर रही हूँ तो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। अगर आप तीखी लोगे तो आप आपके हिसाब से मिर्ची एडजस्ट कर लेना। फिर है जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, फिर लगेगा आपको नमक, देन क्रीम। अगर आपके पास अमूल क्रीम है अमूल क्रीम ले लो, नहीं तो मलाई होगी तो मलाई भी ले सकते हो। मैंने 1.5 TBSP मलाई ली है। फिर मैंने एक छोटा टुकड़ा जिंजर का लिया है, अदरक, उसके बाद है लहसुन। मेरे पास चॉप पड़ा था इसलिए मैंने चॉप लिया है, आप अक्खा लहसुन भी ले सकते हैं 10 से 12 कलियां। उसके बाद 2 चम्मच मैंने लिया है कटा धनिया, एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, बड़ा साइज का प्याज लिया है मैंने। उसके बाद मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, एक दालचीनी और 5 हरी इलायची। ओके, उसके बाद आपको लगने वाला है 1.5 कप पनीर, 1.5 कप हम लोगों ने लिए मटर और 2 टमाटर मीडियम साइज के। अभी हम क्या करेंगे, मैंने टमाटर लिया 2 टमाटर, उसके बाद आपको इसमें ही लहसुन डालना है मिक्सर में। ओके, देन उसके बाद इसी में जाएगा अदरक, इसके बाद आपको सारे मसाले मिक्सर में ही डालने हैं। ये मैंने गरम मसाला डाला है, उसके बाद ये है धनिया पाउडर, उसके बाद ये है लाल मिर्च पाउडर, ये कलर वाली मिर्ची यूज़ की है कश्मीरी, उसके बाद हमने डाला है जीरा पाउडर। ओके, देन हम लोग इसमें ये क्रीम डाल रहे हैं, अमूल क्रीम है। आपके घर में क्रीम नहीं है, आप अमूल क्रीम नहीं है तो आप मलाई रहती है ना वो भी डाल सकते हो। उसके बाद इसी में मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ, इसी के अंदर मैं ये दालचीनी डाल रही हूँ और इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ इलायची। ओके, और इन सब की मैं एकदम फाइन पेस्ट करूँगी, एकदम स्मूथ पेस्ट। अभी हम कढ़ाई में क्या करेंगे, तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद आपको ये जो बारीक कटा हुआ प्याज हम लोगों ने चॉप किया था वो डालना है। अभी हम लोग इसे तब तक भूनेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज होके ब्राउन हो जाए। ओके, सो अभी ये ब्राउन हो गया है, इसमें जो हम लोगों ने पेस्ट बनाई थी इसका कलर देखिए, मिर्ची के कारण बहुत ही अच्छा कलर आया है। हम ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। ओके, सो अभी आपको जो कलर दिख रहा है ना इसको इतना फ्राई करना है कि अच्छे से तेल छूटे और ये जो कलर है ना ग्रेवी का ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। इसको कम से कम आपको 6 से 7 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि इसमें जो टमाटर यूज हुए वो कच्चे हैं तो वो अच्छे से फ्राई होने चाहिए। सो अभी देखिए तेल थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है छूटना, तो ये बबल्स दिख रहे हैं, तो ये जब बहुत ज़्यादा तेल दिखने लगेगा साइड से और ये कलर जो है साइड साइड का देखिए डार्क है, ऐसा ही डार्क कलर आपको पूरे मसाले का चाहिए, तो इसको आपको हिलाते हुए फ्राई करना है। जब तक मसाला फ्राई हो रहा है मैंने क्या किया, गैस पे कोयला रख दिया, हम थोड़ा उसको ढाबा का एकदम फ्लेवर देने वाले। जब तक ये मसाला फ्राई हो रहा है ये कोयला भी गर्म हो जाएगा। ओके, सो अभी आपको दिख रहा है बीच में भी तेल छूट गया है, साइड से भी तेल छूट गया है। सो ये राइट टाइम है आपको मटर डालने का। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हो तो इसको आपको 2 से 3 मिनट ही पकाना है। अगर आप फ्रेश मटर यूज करने वाले हो तो उसको 6 से 7 मिनट पकाना है। तो मटर डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे नमक। ओके, और इसको हम, अभी मैं फ्रोजन मटर यूज किया है मैंने तो मैं इसको 2 से 3 मिनट पका रही हूँ।
से 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे पनीर। आपको पनीर तलना नहीं है, सो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही डाल रही हूँ। इसके बाद आप डालोगे कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा पानी। सो अभी जो मिक्सर में थोड़ा मसाला बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें पहले डाल रही हूँ। इसमें मैं और थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लूँगी। अभी हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि इसको फिर से ऊपर थोड़ा सा तेल ना आ जाए। सो इसको कम से कम आपको 3 से 4 मिनट छोड़ना है। 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ग्रेवी कैसे दिखती है। ओके, सो ये ऊपर से पूरा तेल अच्छे से अभी आ रहा है, इसका मतलब आपकी रेसिपी डन है। मैं इसको अभी धुएं का इफेक्ट कैसे देना है वो मैं दिखाती हूँ। सो इसे पूरा ढाबा स्टाइल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में कोयला रखा है। इसके ऊपर या तो आप तेल डाल दो या घी डाल दो। सो या ऊपर से आप थोड़ा सा तेल घी कुछ भी डाल सकते हैं और जैसे ही धुआं आए इसको बंद कर देना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है इसको बहुत देर मत छोड़ना, 30-40 सेकेंड के बाद ढक्कन निकाल देना है आपको। सो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया, कितना अच्छा टेक्सचर है। मैं अभी इसकी प्लेटिंग करती हूँ। कैसा लगा हमारा ढाबा स्टाइल मटर पनीर हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए ओम साई कुकिंग क्लासेस में। सो ये घर में पक्का ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम लाजवाब। जो आप ढाबा में जाके खाते सेम वही फील आएगा। सो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए ओम साई कुकिंग क्लासेस चैनल में।